Welcome to our channel Scientific. Before we begin with part 2 of our chapter 5, I would like to thank all my students for their amazing feedback. I hope these videos will help you to prepare well and for better understanding. So let's begin with. Today is part 2 of chapter Periodic Classification of Elements. Today we will be studying Newland's octave, which was given by John Newland. He was English scientist. जो न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन दिया था उसको कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इन्होंने इनका क्लासिफिकेशन 1866 में दिया था एंड व्हाट ही डिड वाज ही अरेंज्ड ऑल द नोन एलिमेंट्स एट दैट टाइम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. ठीक है, डोबेराइनो ने भी यही किया था. उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को लगाए, बट ही फाउंड आउट सम ट्रायड्स जहाँ पर कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का अगर हम एवरेज लेते हैं तो जो आंसर आएगा दैट विल बी रफली इक्वल टू दी मास ऑफ मिडिल एलिमेंट. बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने पहले उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से लगा दिया. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स पता थे उतने एलिमेंट्स को. जैसे इन्होंने स्टार्ट किया विथ हाइड्रोजन, कैपिटल एच इज सिम्बॉल फॉर हाइड्रोजन एंड एंडेड एट थोरियम. थोरियम वॉज 56th एलिमेंट. इसका मतलब क्या है कि न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट्स पता थे, बाकी डिस्कवर होने के थे. एंड पार्ट वन में हमने देखा है एट प्रेजेंट वी नो 118 एलिमेंट्स. ठीक है, फिर उन्होंने जब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से लगाया तो व्हाट ही ऑब्जर्व कि जो 8th एलिमेंट है इट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट. यानी हर बार जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर है, फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर है. और इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने कंपेयर किया विथ ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक. म्यूजिक के ऑक्टेव्स आपको पता होंगे जो सा रे गा मा पा धा नी सा. हमने सा से शुरू किया और 8th नंबर पे फिर से सा आ गया. तो क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड 8th सेम है, ये म्यूजिक में होता है और वही चीज़ उनको उनके अरेंजमेंट में नज़र आई. इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ एलिमेंट्स हैं न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल के. फर्स्ट इज हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड लास्ट में है क्लोरीन. तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसे सिमिलर थी, फर्स्ट एंड एट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है. जैसे ये लिथियम है, इफ़ वी टेक लिथियम एज एलिमेंट नंबर वन, तो लिथियम then it will be beryllium, boron, carbon will be fourth, nitrogen will be fifth, oxygen will be sixth, fluorine will be seventh and sodium will be eighth. तो इसका मतलब क्या है, lithium and sodium की property same है first and eighth element. But if we take beryllium as first element, boron second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. तो अब क्या हुआ, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है, लिथियम एंड सोडियम, यू कैन सी दैट द कलर्स आर आल्सो सेम फॉर डिनोटिंग द सेम थिंग कि लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है. देन इफ वी टेक बोरॉन एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम हैज same property. Similarly, carbon and silicon will have same property, nitrogen and phosphorus will have same property, oxygen and sulfur will have same property, fluorine and chlorine will have same property. ये है Newland's law of octaves की first and eighth element की property कैसी होगी, similar होगी. दिस इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो उन्होंने अरेंज किया था.
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एलिमेंट नंबर 1 है वो हाइड्रोजन है, एंड लास्ट जो है 56th जो है वो दैट इज थोरियम, कैपिटल टी स्मॉल एच इज द सिंबल। ये न्यूलैंड की एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है जो उस टाइम उन्होंने अरेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, देन लिथियम, आई एम रीडिंग वर्टिकली डाउन, वहाँ पे आपको नंबर्स भी नज़र आएंगे 1, 2, 3, 4, यू कैन सी देयर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये इसके पहले अभी हमने यही देखा, इन्हीं सब एलिमेंट्स का हमने एग्जाम्पल लिया था दैट एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट विल हैव सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज नज़र आ रहे हैं ये वाला, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी क्योंकि फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट हमने देखा था इसके पहले वाली स्लाइड में कि लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की सेम है, बोरॉन एल्यूमिनियम की सेम है, कार्बन एंड सिलिकॉन की सेम है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस की सेम है, ऑक्सीजन एंड सल्फर की सेम है, ठीक है, एंड फिर फ्लोरीन एंड क्लोरीन की सेम है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो ये आपको हॉरिजॉन्टली रीड करना है कि जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सेम होगी। दिस वॉज सेड बाय न्यूलैंड। अब हम इसके लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस के और भी नाम हैं जैसे डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, बट जो आपको लिखना है इसमें पॉइंट्स वो सेम है। लिमिटेशंस, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज का मीनिंग सेम होता है। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये था कि दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। यहाँ देखिए न्यूलैंड ने टोटल 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने क्लासिफिकेशन में, बट जो उन्होंने लॉ दिया कि फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद अगर आप काउंट करते हैं तो वो लॉ फॉलो नहीं होता। इसका मतलब कैल्शियम एंड जिंक जो है उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, ठीक है। 17th एंड 24th एलिमेंट जो है, कैल्शियम के आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। और जो न्यूली सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं दे डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 56 वैसे भी कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, और जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो भी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं करते, यानी जो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी। थर्ड लिमिटेशन है कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए क्या किया, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में फिट कर दिया या एक ही स्लॉट में प्लेस कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट नंबर 22, यहाँ पर कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल को क्या किया उन्होंने, एक ही स्लॉट में प्लेस किया, जबकि उसके पहले कैसा है, एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट है और एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, बट कुछ जगहों पे जैसे यहाँ पर फिर 34 एंड 35, अगेन यहाँ पे 45 नंबर पे जो है, 50 नंबर पे जो है, सो इस तरह से कुछ कुछ प्लेसेस पे न्यूलैंड ने एक ही स्लॉट में क्या किया है, उन्होंने दो एलिमेंट्स को प्लेस किया है। दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि एक स्लॉट में कितने एलिमेंट डालने हैं, एक ही एलिमेंट डालना है। फोर्थ लिमिटेशंस जो है वो क्या कहता है कि उन्होंने क्या किया, कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को सेम नोट में प्लेस किया। सेम नोट में प्लेस करने का मतलब क्या है, इसके पहले हमने देखा था कि अगर हमको जो हमने फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टली जब हम रीड करेंगे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड निकल, ब्रोमीन, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो कोबाल्ट एंड निकल आता है इसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के जैसे नहीं है, ठीक है। लेकिन कोबाल्ट एंड निकल क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले ही नोट में प्रेजेंट है। तो ये एक और लिमिटेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का।
आई होप आपको अंडरस्टैंड आपको समझ में आया होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.